प्रार्थना करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन के हितों की लगातार रक्षा होती रहे। 2022 में फिर से न गुंडागर्दी वापस आए, न माफियागिरी वापस आए, न अपराध वापस आए, न जातिवाद वापस आए। जो विकासवाद की गंगा बह रही माँ की कृपा से वह बहती रहे, यही प्रार्थना करके और आशीर्वाद माँ का लिया हूँ। दर्शन किया हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक नित्य रत्नाकर जी और हमारे दो राज्य मंत्री हमारे गिरीश जी भी हैं और माँ शंकर जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी सभी साथी हैं। सब लोग हम लोगों ने दर्शन किया है और आप सब ने हमारे दर्शन को लगातार कवर किया, धन्यवाद। आज भी माँ के चरणों में महानवमी के दिन नमन करने का माँ की कृपा से अवसर मिला है। माँ से प्रार्थना किया है पूरे उत्तर प्रदेश में खुशहाली कायम रहे, सुशासन कायम रहे। 2022 में एक बार फिर से हम सब लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में माँ के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन की कृपा से और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आए और जो सुशासन उत्तर प्रदेश को मिला है, जो विकास का यह एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, चाहे माँ विंध्यवासिनी मैया का या कॉरिडोर हो या चाहे प्रदेश के अन्य कोई स्थान हो, ऐसे अच्छे काम लगातार होते रहें, यही माँ के चरणों में प्रार्थना है और उसके लिए आशीर्वाद मांगा। कोयले की कमी से लगातार प्रभावित बिजली संकट को बताया जा रहा है कि प्रभावित, बोलिए माँ विंध्यवासिनी मैया की जय। लखीमपुर खीरी हमारे, जिसके पास माँ की शक्ति होगी उससे कौन लड़ेगा। लखीमपुर खीरी